जो एटीएम कार्ड आपने एक्टिव करना है उसको एंटर करें तो ये प्रोसेसिंग आएगा, फिर इसके साथ ही ऊपर आ जाएगा आगे या कैंसिल, और ऊपर आ गया ओटीपी कोड, जो आपने अपना नंबर मोबाइल नंबर बैंक में दिया उस पर आपको ओटीपी मैसेज आएगा, 5 डिजिट होंगे वो आपने ऊपर लिखने हैं 5 से। जब वो 5 से आप नहीं लिखते और आगे को प्रेस कर देते हैं तो फिर दोबारा वो कहता है कि ओटीपी लिखें, तो इतनी देर तक मैसेज आ चुका होता है, तो आप अपने मोबाइल से वो मोबाइल नंबर जो आपने बैंक में दिया है वहाँ से ओटीपी जो है ना वो इसमें एंटर करेंगे, तो फिर नीचे 2 बटन है आगे नेक्स्ट मनसूख कैंसिल, तो इस पर फिर आपने वो ओटीपी लिख कर तो आपने नेक्स्ट का बटन दबाना, जब आप आगे का बटन दबाएंगे तो फिर ये आ जाता है, यहाँ आप अपना पिन कोड चेक करें और तस्दीक कर लें, फिर दोबारा वो कहेगा कि पिन कोड एंटर करें, फिर तस्दीक करेंगे, इस तरह आपका जो कार्ड है वो एक्टिव हो जाएगा।